अगली खबर में बात करते हैं कानपुर की, जहां विधायक ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने जेल जाने के देर रात बाद वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। विधायक इरफान सोलंकी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती करते हुए कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों की जाँच को कराएं। हमारे ऊपर गलत तरह के आरोप लगाए गए हैं जिसका किसी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। वह अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता है, उन्होंने जनता से भी अपनी सफाई में क्या कहा है, आइए देखते हैं। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ और स्पेशली योगी जी से कहना चाहता हूँ कि योगी जी, वो महिला आई, उसने शिकायत करी आपसे और आपने एक जांच करा दी। अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर आज 20-25 दिन होने जा रहे हैं, एक बार भी आपकी पुलिस ने उस अग्निकांड से जुड़े हुए कोई भी पेपर ना ही कोई फोटो अभी तक पब्लिक को दिखाया। योगी जी, मेरा भी परिवार है, छोटा सा परिवार है। योगी जी, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जांच करा लीजिए। मेरे भाइयों, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पिछले 6 बार का विधायक हूँ और पिछले कम से कम 25 साल से जो मेरा रिजवी रोड का कार्यालय है, मैं रोज़ शाम को वहाँ बैठता हूँ। मैं तो चाहूँगा पुलिस कमिश्नर साहब आपसे भी, उसी दिन की बात है, दोपहर में हमारी आपकी सिखों के प्रोग्राम में हमारी आपकी मुलाकात हुई, मैंने आपसे यहाँ तक भी कहा था कि उसकी जांच करा लीजिए। आज इतने दिन हो गए, एक भी कोई फोटो, कोई लोकेशन, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई जिससे ये साबित हो सके कि मैंने आग लगाई। मैं हमारी क्षेत्र की जनता से और ख़ास तौर से कानपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि हमारा आपका बहुत पुराना साथ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका क्षेत्र का विधायक इतना गंदा काम कर सकता है कि किसी के मकान में आग लगा देगा? योगी, इसकी आप CBI जांच करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ताकि इसमें हकीकत सामने आ सके। अगर मैं दोषी हूँ तो कानून है, अगर नहीं है तो मेहरबानी करिए योगी, क्योंकि आपकी निगाहें और आपकी तरफ हर आदमी देख रहा है कि आप न्याय करेंगे। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से और तमाम लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप सब आइए और इसकी जाँच होनी चाहिए ताकि न्याय उसको मिल सके या न्याय मुझे मिल सके, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं और एक बात और कहता हूं कि मैं आपसे आपकी दुआओं में अपने लिए जीना चाहता हूं। मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग, उनका ख्याल रखिएगा। मैं आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा सलाम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मेरे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी का और जो 11-12 विधायक जो अखिलेश जी ने भेजे थे, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में सबसे पहले मैं हमारे सांसद श्री सदे पचौरी जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे परिवार के लिए टाइम निकाला, मेरी बेगम, मेरी अम्मी, मेरे बच्चों से मुलाकात करी। मेरी बेगम के सर पर जो उन्होंने वालिद वाला हाथ रखा, मैं उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कम से कम लोगों ने ये जाना तो सही कि कहाँ पे चूक हो रही है। मैं एक बार और पत्रकार बंधु आपको भी और आपके चैनल के द्वारा उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आप बार बार अपने चैनल में ये बताते हैं कि विधायक से घर से जुला हुआ प्लाट, विधायक के घर के बगल वाला प्लाट नहीं, वो प्लाट जो है मेरे घर से 600 मीटर की दूरी पे है भाई, जहाँ पे वो कांड हुआ था। दूसरी बात, रोज पिछले 25 साल से 10 साल मेरे वालिद हो गए, 15-16 साल से मैं रोज शाम को 6 बजे से 10 बजे तक मेरे रजवी रोड के कार्यालय में बैठता हूँ। ये 90% कानपुर की जनता को मालूम है कि रोज शाम को मैं वहीं रहता हूँ। और जिस दिन उस दिन कांड हुआ है तो मैं हमारे रजवी रोड के ऑफिस में बैठा था, वहाँ तमाम लोगों के जो फोटो आए वो भी मैंने हमारे व्हाट्सएप पे डाले हैं। उस समय शादी भी थी, म्युनिसिपल रजवी साहब और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके मैं शादी में भी गया। मैं चाहता हूँ कि इसकी जाँच हो। योगी जी, मैं आपसे अपील करता हूँ, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपने उस औरत की बात सुनी, आपने जांच के आदेश दिए, तो यहाँ पे जांच गलत हो रही है। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है, मैं आपके साथ विधानसभा का सदस्य हूँ, कम से कम आप मेरी भी बात सुनिए, इसकी CBI जांच करवा लीजिए ताकि हकीकत सामने आ जाए। आज 10-15 दिन हो गए, जो भी दिन हो गए हैं, एक भी फोटो या एक भी ऐसी चीज सामने आई है जिससे ये साबित हो सके कि आपके सदन के साथी, आपके विधायक ने किसी महिला के आग लगा दी हो? और मैं हमारी विधानसभा की जनता और कानपुर की जनता से कहना चाहूंगा कि भाई, हमारा आपका 25-26 साल का साथ हो गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ये विधायक इतना गंदा काम कर सकता है?
अरे भाई आपने विश्वास करा मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ वो तमाम लोग सामने आइए और कमिश्नर साहब से कहिए कि कम से कम कोई ऐसी चीज दिखाओ तो जिससे आपका विधायक दोषी हो सके। आपके विधायक के ऊपर जो इल्जाम लगा दिया महिला ने, कम से कम वो चीज सामने आ सके। मेरा भी बहुत छोटा परिवार है, मेरे भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरी माँ परेशान हो रही है, मेरे भाई लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए आप सब आइए, पूछिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला ने जो मुसीबत मेरे ऊपर डाली है, अल्लाह ताला मुझे उससे जल्दी से जल्दी निकाले। क्या पता वो दुआ आपकी जो मेरा मालिक सुन ले और मेरा बेड़ा पार हो जाए। आप किसी भी मजहब को मानते हैं वो बहुत अच्छी सी बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना। आप राम कहिए, अल्लाह कहिए, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है वो नीली छतरी वाले पे कि वो किसी की भी दुआ सुन लेगा और मेरी मुश्किलों का हल निकल जाएगा। मैं आप सबको नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि सच सामने आए। अगर मैं दोषी हूँ तो कानून है उसके लिए, कानून सजा देगा और कानून से कोई नहीं बच सकता है। मेरे लिए दुआ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते।